वो सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, सो आई वॉज सस्पिशियस अबाउट इट एंड आई वॉन्टेड टू फर्दर इन्वेस्टिगेट। इस वजह से हमने उनका MRI और MRA किया था। तो MRI और MRA बहुत सिग्निफिकेंटली डिजीज़ शो करता है एंड इट इज़ अ यार्ड स्टिक टूल जो कन्फर्मेशन करता है कि हाउ बैड डिजीज इज़। तो इट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड कि उनका क्रिटिकल स्टेनोसिस है बोथ दी वेसल्स का, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, जो वेसल्स सप्लाई करती हैं ब्लड ब्रेन को, एंड विच इज़ इट्सेल्फ अ वेरी हाई रिस्क फॉर स्ट्रोक, और इसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नंबर सेकंड ये कि जो उनका बेसिक कार्डियक रिदम है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, और उस कार्डियक रिदम के लिए हम उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एंड इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि परमानेंट पेसमेकर और ICD की उनको ज़रूरत पड़ेगी।